हेलो गाइस आयशा कत्याल वेलकम यू ऑल टू रूबरू वी आर एट मारवा स्टूडियोज़ एंड टुडे विद अस वी हैव मिस्टर एसएस एस डोगरा हुज़ अ मीडिया प्रोफेशनल अ फिल्म मेकर अ राइटर एंड अ मैंटर टू मैनी मीडिया स्टूडेंट्स तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका ये हसीन सफ़र कहां से शुरू हुआ था उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे वो इस फील्ड में आए हाई सो वेलकम टू मारवा स्टूडियोज तो सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक मीडिया प्रोफेशनल है ठीक है और इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं थैंक यू बेटा तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी श्रिया बेसिकली क्या है नाइन्टी टू नाइनटी थ्री की बात है मैं जॉब में था और मैं आप बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी अगर जर्नी की बात की जाए जर्नलिज्म की मैं एक स्कूल में आ, काम किया करता था एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक स्कूल के अंदर लेकिन कुछ क्रिएटिविटी शुरू से दिमाग में रहती थी क्योंकि बचपन जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा क्रिकेट आई वॉज क्रिकेट प्लेयर और थोड़ा सा ना कुछ हट के करना मतलब कि जैसे कहते ना कभी कुछ अच्छा करना है हुँ. तो जॉब के अंदर मैं जब वहाँ पर था तो मेरे को टाइम मिल जाता था कि स्कूल की जॉब थी वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी दो तीन बजे छुट्टी हो जाती थी मैंने फोटोग्राफी की अंदर क्योंकि मैंने हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने का दिमाग में रहा इंटरेस्ट बचपन से था क्योंकि फिल्में वगैरह बचपन में मुझे याद है जब टीवी पे दूरदर्शन पे एक ही फिल्म आया करती थी हफ्ते में तो वो चिपक जाते थे टीवी पे तो वहीं से इंटरेस्ट था इंटरेस्ट तो बचपन से था उसके बाद रेडियो वो हमने मतलब सिक्सटी का बर्थ है मेरा और बचपन के अंदर पिताजी को सुनना मतलब देखा करते थे कि वो रेडियो कमेंट्री बड़े शौकीन थे तो रेडियो का उस समय इस तरह से बड़े ब्रदर मेरे एडवोकेट थे अब ही नाउ उनको पढ़ने का बहुत शौक था तो घर में अखबार साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग वगैरह इस तरह की चीज़ें आया करती थी तो, तो वो जैसे कह रहे थे सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह के रहे एक तो फिर क्या हुआ कि जब जॉब के अंदर आए तो वहाँ बाई चांस मैं क्योंकि एजुकेशन लाइन में गया तो मैं लाइब्रेरी जरूर विजिट करता था और मेरे स्कूल वाले मैं जरूर इस प्लेटफॉर्म पर बताना चाहूंगा कि मेरे जो मैनेजमेंट थे स्कूल वाले उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं, नहीं। और बल्कि मेरे स्किल को इसे कहना चाहिए कि एक बेस बनाने में मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो सर हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को परसू करने के लिए आगे तो आपके हिसाब से मीडिया एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस लाइन में जाना चाहते हैं मीडिया की लाइन में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं देखिए मीडिया की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आजकल मीडिया हाउसेज जो हैं वो उन्हीं बच्चों को प्रीफर किया बल्कि लेते ही उन्हें हैं जिन्होंने की मीडिया एक फॉर्मल एजुकेशन ली हो हुँ. और जहां तक इस एजुकेशन की बात करें तो पहले जो है इलेवंथ मतलब अब जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया इलेवंथ और ट्वेल्थ सब्जेक्ट एज मास मीडिया स्टडीज जो कि एक आपका बेस बनाता है okay. और फिर इसी तरह से आगे अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए भी एंट्रांस टेस्ट होता है mm -hmm. तो इसलिए आपको फॉर्मल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है True. और वो बिना मीडिया की पढ़ाई के आप अच्छे कैसे उसमें एंटर कर पाएंगे सही बात और अगर आपने कैरियर बनाने जैसे पहले साइंस के लिए कॉमर्स के लिए लोग जो है वो उस तरह से पढ़ाई और वो किया करते थे उसी तरह से मीडिया की भी एक अलग से विधा क्रिएट कर दी है सी बी एस ई ने और फिर आप यूनिवर्सटियाँ आ रही हैं और आजकल यूनिवर्सिटियों के अंदर एक मतलब इस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को स्पेशली जगह दी जा रही है और हर यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म को अडाप्ट करना चाहती है That's very interesting and that's very important also. Absolutely. Because we know that half knowledge is very dangerous. तो so, कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता and वो कुछ भी create करते हैं which is not viable. Uh, सही से आपने हमें educate किया और मुझे पता है आप काफ़ी workshops भी लेते रहते हैं students के so, लिए तो particularly आपने देखा है students के अंदर कुछ particular जो क्वेश्चन uh, हो या बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हो कि हाँ हर बार ये डाउट तो है ही बच्चे का मीडिया फील्ड के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है बच्चों के अंदर जरूर होनी चाहिए और मैं तो बल्कि आपके प्लेटफॉर्म पर यह भी करना चाहता हूँ कि मीडिया की फील्ड में सिर्फ वही बच्चे आएँ जो हार्डकोर हों यानी कि हर स्थिति के अंदर वो अच्छा करने मतलब फेस करने के लिए अगर आप मतलब कुछ मेहनत करनी है तो मेहनत करनी होगी पढ़ना होगा आपको रिसर्च करना होगा कुछ इनोवेटिव आइडिया कुछ क्रिएटिविटी नॉर्मल तरीके से आप सोचो ग्लैमर देखते हैं बच्चे बेसिकली कि मैं टीवी पर नजर आ जाऊँ मैं फिल्मों में नजर आ जाऊँ मैं रेडियो पर टॉक हो रही हो या मैं लिखने के लिए तो उसके लिए पहले आप प्रिपेयर्ड हो पूरी मेहनत करें और सबसे बड़ी बात यह कि ये बड़ी एक बड़ी स्ट्रगल वाली फील्ड भी है कई बहुत अच्छे टैलेंटेड लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म तक नहीं मिल पाते हैं तो उसको सस्टेनेबिलिटी करने के लिए आपको पहले से तैयार होकर आना होगा और आप जितने अच्छा अपने आप को प्रूव कर पाएंगे तो देखिए सर uh, so, अभी आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी बुक गिफ्ट करी है जो आपने लिखी है और जो बहुत से स्टूडेंट्स के लाइफ में एक चेंज ला रही है विच इज़ मीडिया केन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ सो ये बुक लिखने का आपको कहाँ से थाट आया और कैसे इंस्परेशन मिली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लास्ट ईयर जो है मैं एक्चुअली ना ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी मीडिया वर्कशॉप कर चुका अप्रॉक्सीमेटलीफ्टी वर्क आई डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया तो लास्ट ईयर मेरे को मौका मिला बाल भवन स्कूल है बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में मैं वहाँ पर भी एक मीडिया वर्कशॉप ही करने गया था ओके okay. और बाई चांस उन्होंने मेरे को कहा कि भाई हमारे को विजिटिंग फैकल्टी के लिए जुड़ता है अगर आप हुँ. हमारे यहाँ ज्वाइन कर लें तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए तो बच्चों से इंटरेक्ट करना तो वहाँ पर मेरे को ट्वेल्थ क्लास मिल गई मैं ट्वेल्थ क्लास पढ़ाता था डेली क्योंकि मेरे तो वो होता था ना हफ्ते में तीन दिन अल्टरनेट डेज पे इस तरह से वहाँ पर मैं देखता था मैं नोट क्योंकि मैंने तो जे uh, uh, किया था टू थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन और टू थाउजेंड में तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को क्योंकि नेचुरल बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो ठीक है प्रैक्टिकली हमें आपको नॉलेज है ट्रू और वर्कशॉप में तो एक दिन होता है लेकिन बच्चों को कंटिन्यू सिलेबस को देखकर करना hmm. था मेरे hmm. को सिलेबस भी दिला दिया मैडम ने okay. और सब चीज़ें तो मैं सिलेबस को पढ़कर देखकर और नोट कर कर लेकर जाता था और बच्चों से उस तरह से इंटरेक्ट करता था तो मैं बच्चों को बोलता था कि यार तुम अपनी किताब किताब तो लेगा तुम्हारी किताब कौन सी अब वो किताब क्या था जी किताब ही नहीं है मार्केट के अंदर कोई बुक नहीं थी इस तरह की बुक अच्छा तो खर मैं पहले बच्चों को नोट्स देता था फिर मैं दिमाग में आया कि यार मैं ये नोट्स बच्चों को बांटता हूँ बच्चे केयर में कई बार पूछता था कि यार तुमने तो कल क्या करा उसके ऊपर तो वो बच्चे फिर वही तो कुछ बच्चे लेकिन जो उनमें से थे सीरियस से थे वो कहते सर किताब तो है नहीं तो आप लिख दो ना सर <laughs> एक बच्चा पीयूष था मैं नाम मेंशन करना चाहता था तो मैंने बुक के अंदर मेंशन करा पीयूष था पर उस बच्चे ने तो लिटरली बड़ा सेंसिटिव बच्चा वो बल्कि अच्छा कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर में चला गया वो उस बच्चे ने मुझे पर्टिकुलरली एक दिन मेरे पास आया सर मैंने मार्केट क्यों मैंने मार्केट में भी पता करा कहीं पर नहीं मिल रही सर आप सच में क्यों नहीं लिख देते आप हमारे को नोट्स देते हो लिखने के लिए अच्छा मैं लिखने का तो शौक़ था और मैं पहले ऑलरेडी वैसे किसी और विषय पे भी करना चाह रहा था किताब okay. तो मेरे दिमाग में पहले से ही चीज़ें तो चली रही थी फिर मैंने कहा यार मीडिया में पिछले इतने समय से काम कर रहा हूँ और इन बच्चों के लिए भी काम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा अपना एक जैसे कहना चाहिए ना कि जिंदगी का एक हर किसी पत्रकार होने के नाते और कोई भी विधा के अंदर कोई भी काम कर रहा हो अगर उसकी किताब आती है तो एक अपने आप में लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मैं है? तो ऐसा मानता हूँ और शायद जो भी साहित्य से या जो भी इस तरह की विधा में, वो ज़रूर ऐसा महसूस करते होंगे मीडिया विदाउट इमेज इज लाइक ए बॉडी विदाउट साउंड वेरी exactly. सिंपल तो इस तरह की कोट जो है वो इंस्पायरिंग कोट जो कि मैंने मीडिया पर ही लिखी हुँ. अब बल्कि सही बात यह कि ये फेसबुक के ऊपर इस तरह की पोस्टिंग और ये वो बच्चे बड़े मोटिवेट हो मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगता था कुछ लाइक आ गया कुछ मेरे जो अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होने लगी कि फेसबुक पर कई क्योंकि मेरे पाँच हजार अगर फ्रेंड्स हैं नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एक्टिवली इन टू प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ओके तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं कोई टीवी पे है मतलब अगर आप ख़ुद भी देख लेंगे मेरे कभी फेसबुक पे आप एस एस डोगरा के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है तो वहाँ पर हुआ क्या कि उनके अगर कोई लाइक आते थे ना मेरे आप सदी मारवा जैसे अगर मतलब इतने बड़े मीडिया कर्मी का कोई कॉन्क्चुलेशन कौ, आ जाए मतलब कुछ छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं या वो कुछ कई बार इस तरह से क्लिक कर देते हैं अच्छी उसके ऊपर लाइक कर देते हैं या मिलते जब भी तो ये चीज़ें यू नो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा exactly. और वो सब चीज़ें मैंने परोसने की कोशिश करी है sure. और मैं तो एक चीज़ और बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी गिव्स यू मोर एनर्जी तो दैट एनर्जी आई एम यूटिलाइजिंग इट अभी वो सीक्रेट सुपरस्टार भी तो आई थी वो यूट्यूब से दिखाया एक कंसेप्ट की कितनी फेमस हो गया एंड सो यू जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म एंड क्रिएटिविटी हैज नो एज बार्स

त्रिवेंद्रम में ओके okay. और उसके बाद मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में अभी रिसेंटली करा कर आया हूँ इसमें बच्चों के द्वारा बनाई हुई फिल्में शोकेस की जाती हैं और मैं बच्चों के ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी किताब में भी पढ़ोगे मैंने अपनी बेटी के बारे में भी लिखा है जब वो छठी के अंदर थी तब वो कहती थी मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी उस समय कि हाउ टू क्रिएट ईमेल अच्छा दो की बात है ठीक है तो कितना समय गुजर गया और फिर वो आगे आज वो वास्तव में कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैचर में एमएनसी में तो वो इंपैक्ट बच्चों के ऊपर गया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं करता मैं अपने जो स्किल है मीडिया के सभी बच्चों के अंदर अपनी इंस्पायरेशनल और अपने एक्सपीरियंसिस के बेस पर यह सब कुछ करना चाहता हूँ और फिल्म मेकिंग के अंदर बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूँ और बच्चों के साथ बच्चे का मतलब मेरे पास जो स्कूल के जो सीनियर बच्चे हैं वो और कॉलेज मीडिया के बच्चे मेरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसकी ये भी हुआ कि लास्ट ईयर इधर मारवा स्टूडियो से भी मेरी दो फिल्में एक फिल्म मैंने एडिट करवाई थी और वो आ, सेवन्थ फिल्म फेस्टिवल को, कोलकाता में हुआ था जहाँ गौतम घोष जी ने और मधुर भंडारकर ने हमें सम्मानित किया ये बड़े गर्व की बात है मैंने सर से अभी शेयर कराया वो दी है हमने बुक उनकी अनवल उसमें अच्छा। बुकलेट के अंदर वो आया है वो फिल्म तो ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आजकल बहुत सारी संभावनाएं हैं है, फिल्म मेकिंग में भी छोटे बच्चों के लिए और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे वो अखबार के लिए कोई आर्टिकल लिखें चाहे वो रेडियो के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बिना इन्वेस्टिगेशन

तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें पहले ही पकड़ लेना चाहिए कि बच्चे हेजिटेशन बिल्कुल, बिल्कुल। so तो अच्छा मतलब क्या होता है जब आप पहली बार ही मिल रहे हो तो दो बच्चे थोड़ा हेजिटेशन करते ही है लेकिन उन्हीं के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती है और वो मेरा जो बात करने का अंदाज होता है तो मैं उनके अंदर से प्रश्न पैदा करने अभी कल ही बताता हूँ यूनिवर्सिटी में मैं फिल्म कल मेरी एक शॉर्ट फिल्म वहाँ पर स्क्रीन की गई सेब प्लांट सेब प्लैनेट एनवायरमेंट के ऊपर okay. तो वो दो मिनट और दस सेकंड की फिल्म थी हम उसमें मैसेज ये देना चाहते थे कि भाई हमारे अगर एनवायरनमेंट को बनाए रखना है तो आपको जो है अपने सराउंडिंग में प्लांट और पौधों का अच्छा लगाने हाँ, अच्छा तो एक बच्ची दूसरे बच्चे को बर्थडे पर एक गिफ्ट देती है प्लांट okay. और मैं तो एक वो, उसके अंदर यह शोकेज करना चाहता हूँ ये सच्ची में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की बात है मेरी हर फिल्म के अंदर इस तरह की चीजें रहती है तो उसके अंदर यह होता है कि वो बच्ची उसको गिफ्ट देती है प्लांट और वो हफ्ते दस दिन बाद जो है वो एक

तो मैंने उनको प्रश्न किया कि बेटा आप में जिन सबने फिल्म देखी अभी है अभी और आप इसका रिव्यू कौन करेगा हुँ. क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ शोकेस कर रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या किताब लिखी है मेरा जस्टिफिकेशन तब हो कि वो बच्चों ने क्या अंडरस्टैंड करा एक्जैक्टली exactly. तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर ये भी बताना चाहता हूं एक बच्ची उनमें से आई उसने क्योंकि हेजिटेट कर रहे थे बच्चा कोई नहीं आ रहा था सो बच्चों में से एक बच्चा नहीं आ रहा था स्टेज पर एक कम्युनिकेशन स्किल की भी बहुत जरूरत है बच्चों को तो उस बच्ची ने श्रुति नाम की लड़की ने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा क्योंकि चाहे आप पत्रकार हैं या लेखक हैं या आप फिल्मकार हैं अगर आप अपने कामों को ढंग से शोकेस नहीं कर पाए और बच्चे उस मैसेज को नहीं समझ पाए बच्चे क्या पब्लिक भी तो वो सब बेकार है एग्जैक्ट exactly. तो मेरा ये रहता है कि चाहे मैं अखबार के लिए आर्टिकल लिखूं, या मैंने ये किताब भी लिखी है या मैं फिल्म मेकिंग भी कर रहा हूं, तो मेरे कामों के अंदर इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि एक ले मैन भी अगर उसको देखे

दैट्स गुड कि आप इतने सारे initiatives ले रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं so, अब मैं फ़ाइनली चाहती हूँ कि इतना सारा आपने inspiration दे दिया इतना सारा हमें ज्ञान दिया अब आप एक सिंपल सा शॉर्ट सा लेस वर्ड्स एंड मोर मीनिंग एक मैसेज दे दीजिए सब लोगों के लिए कि वो समझ जाएँ कम शब्दों में ही कि उन्हें क्या करना चाहिए कैसे अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए और कैसे एक अच्छा मीडिया प्रोफेशनल एंड एक अच्छा इंसान बनना चाहिए श्रिया मैं तो यही कहना चाहूँगा जिंदगी में जो भी काम करें दिल लगा कर करें मेहनत से करें और अगर आपके सराउंडिंग में या कोई भी चाहे पारिवारिक या सामाजिक कोई भी स्थितियाँ विपरीत स्थितियाँ पैदा होती हैं उसमें बेहतर कैसे आप उससे निकल के अच्छा कर सकते हैं सिर्फ सोल्यूशन पर ध्यान लगाएं हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है अमिताभ बच्चन को भी स्ट्रगल करना पड़ा था तो ज़िंदगी में सफलताएं उन्हें मिलती हैं जो मेहनत करते हैं और एक फोकस्ड होते हैं कि मैंने ये ज़िंदगी में अचीव करना है ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है जब आप काम करेंगे जरूर सफलता मिलेगी हंड्रेड वन परसेंट थैंक यू सर थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज योर इंस्पिरेशन एंड टेकिंग आउट योर वैल्यूबल टाइम आई होप कि जो भी आपने मैसेजेस दिए और जो भी नॉलेज दी वो लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे थैंक यू थैंक यू सो देखा आपने कि मिस्टर डोगरा ने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी इतना वैल्यूबल नॉलेज दिया और बहुत इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल सही का असर नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिले एक फॉर्मल एडुकेशन मिले बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस सेकेंडली देर शुड बी अ नेवर डाइंग एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क मीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सब कुछ बहुत कम्फर्टेबली मिल रहा है कम्फर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता यू हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ एंड याद रखिए कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना उन्हें कोई रोक नहीं सकता वो उन बुलबुलों की तरह होते हैं जो एक बार उभरना स्टार्ट करते हैं तो उभरते ही जाते हैं मुझे तो मेरी मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ की कॉपी मिल गई है आप भी जाइए गो गेट योर कॉपी सून एंड इट्स अवेलेबल ऑन ऑल ई कॉमर्स साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट एमेजोन एंड स्नैपडील सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन रूबेरू आय श्रिया कत्याल विल बी बैक विद अ वेरी एमिनेंट गेस्ट विद आस टिल देन यू कीप वॉचिंग एम एस टी वी हरपल आपके साथ